Assalamualaikum, welcome back to advancedstudy.com. My name is Kurat Nakri and my course name is iOS Development with Swift. इस कोर्स में आपको टेबल व्यू दूंगी, अगर तो आपको 5 मिनट यूज कर लेते हैं आप iOS 1 तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें टेबल व्यू स्ट्रक्चर यूज होता है। लाइक अगर मैं ये देख रही हूँ जिसमें मेरे पास दो टेबल व्यूज हैं उसके अंदर फर्दर उसके चीज़ें जैसे मैसेज वगैरह हर चीज़ के अंदर टेबल जरूर यूज हुआ है। तो आप अगर कोई भी यानी स्मार्टफोन यूज करें iOS का कोई भी वर्जन यूज करें तो आपको पता होगा कि इसके अंदर जो है टेबल यूज हो रहा है। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे क्रैचर कैसे मल्टी ट्रैक में जाएंगे तो उसको यूज करेंगे वो सब हम देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे इसको ट्रैक यानी अपने स्क्रैच को लेके चलेंगे वो अब हम देखेंगे। लेकिन पहले आपको टेबल का कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। टेबल क्या होएगा, जिसमें कोई रोज या कॉलम होंगी। एक भी रो हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम मल्टीपल रोज हो सकती हैं, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। ये मेरे पास एक मल्टीपल रोज ऑफ एक कॉलम है, ये मेरा टेबल है। ये कोई मेरा डाटा बेस का टेबल नहीं है, ये सिंपल डाटा है, डाटा स्टोर कराता है जिसमें मेरी रोज और कॉलम्स है। यानी इसमें डाटा कॉलम्स में स्टोर होता है, ये डिफरेंट रोज में स्टोर होता है डाटा। उसके बाद ये डाटा सोर्स के साथ अटैच होता है, यानी कहाँ से मैंने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये मेरा डाटा सोर्स होता है और डेलीगेट के साथ, यानी हम यहाँ डेलीगेट के साथ अटैच कर सकते हैं। और कब किस रो के साथ किस तरह क्या होना चाहिए वो डेलीगेट हैंडल करता है, और कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं ये सारा डाटा जो है हम गैश उससे डील करते हैं डाटा सोर्स से। अब जो है इसमें हम ये मास्टर तो बाद में देखेंगे, पहले हम जो है सिंगल व्यू एप्लीकेशन को ही देखेंगे। सीधा डायरेक्ट में स्टोरी बोर्ड पर आती है, इधर से मैं जो है टेबल लेकर लिखती हूँ फिल्टर में। तब देखिए मैं तीन किस्म के हैं, कंट्रोलर से हमारा काम नहीं है, सिंगल टेबल व्यू से भी हमें काम नहीं है, सिर्फ टेबल रो से भी काम नहीं, सिर्फ टेबल व्यू लेंगे। और आपने देखना कि मैंने ऐसे ड्रैग ड्रॉप करना है जिससे मैंने बैटरी सिंबल पहना है, फिर जाके मैंने रीसेट कर देना जिस तरह कंस्ट्रेंट मैंने आपको रीसेट करना सिखाया है। अब उसका रीसेट करने कंस्ट्रेंट था कि वो हमारा सही हो, मैंने इसको बिल किया तो आप देखेंगे मेरे पास सब बैटरी सिंबल के नीचे सब कुछ आ रहा है, यहाँ मेरा आ रहा है। अब इस पर मेरा डाटा अटैच नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं से डाटा लाना है ना कि मैं इसके अंदर रहूँ। तो अब देखिए मैं जब जब इसके रोज और कॉलम पे करूँगी क्लिक, तो आप राइट साइड पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में देखें तो वो मुझे दो चीज दे रहा है, यानी डाटा सोर्स या डेलीगेट। डेलीगेट से तो हमारा काम नहीं है, हमारा डाटा सोर्स से काम है। तो सिंपल डाटा सोर्स को ड्रैग और ड्रॉप करेंगे, तो ड्रैग और ड्रॉप करके व्यू कंट्रोलर के फर्स्ट व्यू कंट्रोलर की ही लेके आनी है फाइल पे, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारा व्यू कंट्रोल ही है। तो हम अपना सिंपल जो है वो डाटा सोर्स पे क्लिक करके व्यू फर्स्ट व्यू कंट्रोल पे लेके आएंगे। याद है कि मेरा व्यू कंट्रोल ही मेन है, तो इस पर करेंगे तो अभी हमारी फाइल इसके साथ अटैच होगी। इसमें मैंने UI विंडो कंट्रोलर का जो है वो इनहेरिट किए हुए फीचर, तो सिंपल में उसके आगे जो है UI जो टेबल व्यू डाटा सोर्स है तो उसको मैंने इसे इनहेरिट करवा लिया क्योंकि मेरा बेसिक। अब आप देखिए इसमें मल्टीपल मुझे एरर्स दे रहा है क्योंकि मैं ऐसे इसको यूज़ नहीं कर सकती फंक्शन को, तो मुझे है मैं इसको प्रोटोकॉल वगैरह देखूँगी। आप वही उसी तरह कोई हेल्प पे जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या इसके पैरामीटर्स हैं। आपको कोड नहीं आता कोई मसला नहीं, आपको इतनी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल कर देता है एप्पल और एक्स कोड कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप फर्दर किसी चीज़ को देखो। ये अपनी ही आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाता है कि आपने कैसे इसको प्रोसीड करना है। तो उन सबको प्रोसीड करने से पहले अब आप अपना इस एरर इजीली रिमूव कर सकते हैं उसको देखते हुए कि आप कैसे उसको करेंगे। सिंपल मैं अब इसमें ऐड करूँगी इसका बाकी का सिंटेक्स ताकि आपको पता, क्योंकि मेरा टाइप भी मिसिंग आ रहा था व्यू कंट्रोलर ये सब मुझे आ रहा है। तो सिंपल जो है मैं इसको अभी यूज़ करूँ तो रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करूँ और रिटर्न वन कर दूँ तो वो मुझे दे रहा है, तब भी ये जो है टेबल व्यू UI इसको ऐड करवा दिया। अब जब सिंपल मैंने इसको रिटर्न किया तो मुझे उसको भी ऐड कराना पड़ेगा टेबल व्यू को, टेबल व्यू UI टैब व्यू सेल व्यू टैब फिर टेबल भी आएगा, फिर आगे हम फर्दर इसको यूज़ करेंगे। इमेज भी लगा सकते हैं आप अपने सेल की जो है उसकी लेंथ भी बता सकते हैं, इस तरह आप कोई भी अपनी मर्जी से टेबल डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने टेबल का टेक्स्ट लेबल टेक्स्ट डाल दिया हेलो, यानी मल्टीपल रोज में अगर मैं हेलो पेन करवाना चाहूँ तो मैं वो भी करवा सकती हूँ और रिटर्न करवा दूँ सेल को। आप देखें मेरे पास कभी इसको रन के तो मल्टीपल हेलोज आ रहे हैं, मैं उसी एग्जाम्पल को लेकर आकर चल रही हूँ, नहीं इसको मैं रन करूँ तो उसके टाइम मेरा हेलो हेलो आ रहा है। जब मैं इसको आगे फर्दर रन करूँगी तो आप देखेंगे कि वही चीज़ मेरी कोड आपको अवेलेबल है। मैंने ये पहले से ही अरेज बना के रखी है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग में,
आपको नहीं आती तो आप जो है उसको जो है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग कोर्स को सीखें, क्योंकि मैं अब आपको उसमें अरेज बनाना तो नहीं सिखाऊंगी, आपको उसका सिंटेक्स वगैरह पता होना चाहिए। मैं उनको यूज़ करना सिखाऊंगी कि कैसे हम अरेज को यूज़ कर सकते हैं अपनी इसमें स्टोरी बोर्डिंग के थ्रू। यानी अब जो है मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यू डाटा व्यू है उसके अंदर शो हो, तो सिंपल जहाँ मैं कर रही हूँ मैंने इसको लेट कर लिया, डेवलपमेंट कोर्स पूरे पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ज़रा इसके थोड़े से फंक्शन समझने की ज़रूरत है। पहली बात आपने उसको बताना कि टेबल में सेक्शंस कितने चाहिए, एक सेक्शन होना चाहिए, दो सेक्शन होना चाहिए, तीन होना चाहिए। तो मैं कह रही हूँ एक सेक्शन तो मैंने रिटर्न कर दिया बार, अगर मैंने पाँच सेक्शन तो रिटर्न कर देती फाइव, अगर टू हो तो टू कर। फिर वो कहता है कि आपने ईच को कितने टाइम चलाना है, यानी कितनी है रोज़ आपने दिखाई, तो मैंने पाँच दफ़ा दिखाई यानी उसकी लेंथ फाइव रखी। तो हम इसमें जो है कोर्सेज की लेंथ के मुताबिक जाएंगे तो कोर्सेज और काउंट को काउंट करिए, उसके मुताबिक कितने हैं, 10 कोर्सेज हम 10 दफ़ा चलेगा, 5 करना तो 5 दफ़ा, ये उसकी लूप की कंडीशन है। फिर जो मेरा दूसरा फंक्शन टेबल व्यू का जो है मेरा यूआई टेबल व्यू सेल्फ और रो इंडेक्स पाथ, इंडेक्स पाथ मेरा फंक्शन है जो इंडेक्स का पाथ बताता है कि मुझे उसका देना नहीं पड़ता, ऑलरेडी इंडेक्स को खुद ही देख लेता है रो के, यानी जिस रो में वो होता है उसको खुद ही वो पाथ देख के उसकी वैल्यू गेट कर लेता है। मैंने सिंपल वो जो है इसके लेट किया कोर्स टाइटल, पहले तो टाइटल देना चाहती हूँ कोर्स ऑथर इज इक्वल्स टू, अब इसमें मैं डेवलपमेंट कोर्स के इंडेक्स पाथ का फंक्शन यूज़ करूँगी डॉट रो, और अब फिर उसके बाद इसको इस लाइन को रिमूव करके इधर मैं कोर्स टाइटल दे दूँगी। आप कोर्स ऑथर दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, उसको फर्दर मल्टीपल एट अ टाइम फील दे। ये मैंने रन किया था, अभी देखे मेरे पास इस एक से ज़्यादा ही रोज़, यानी जितनी हमारे पास अरे थी उतनी ही रोज़ आ गई। आई होप सो कोई समझ आया होगा, फर्दर इसकी इन्हांसमेंट हम नेक्स्ट देखेंगे कैसे हम इसको करते हैं। अरेज आपको आनी चाहिए स्विफ्ट प्रोग्रामिंग में। अब जैसे हम मल्टीपल सेल्स की बात कर रही हूँ, मैं मल्टीपल सेल्स को रन करने के लिए मुझे कंट्रोलर चाहिए। अब व्यू कंट्रोलर क्या, जैसे मेरे पास जो अरे में 10 तक नंबर हैं तो मैंने सिर्फ 5 तक विंडो की हुई है साइज विंडो का, तो 5 तक दिख रहे हैं, बाकी 5 को दिखाने के लिए मुझे डाउन करना पड़ा। स्क्रॉल डाउन करने पे मुझे उनको क्यू में तो रखना पड़ा, यानी मेमोरी पहले ही एलोकेट करनी पड़ रही है, तो इससे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मेमोरी जो है हमारी नहीं हो रही है। अगर 100 एकड़ है तो 100 जो है इसके लिए मसला है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हम व्यूज़ यूज़ करें तो हम उनको दोबारा ही यूज़ कर लेंगे, यानी जो सेल्स हमने पहले 5 विंडो रखी है उसी को हम फर्दर नेक्स्ट के लिए यूज़ करेंगे, ना कि हम उसको पेंड करें अगलों में। तो हम पहले उस पर पेंड कर रहे थे, अब जो है हम सिंपल उसको जो है उसी को दोबारा यूज़ करते हुए डी क्यू करवा रहे हैं, जो हमारी क्यू है उसको डी क्यू करवा के सिंपल उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, डी क्यू करवा सकते हो। जैसे अगर मैं उसको रिमूव करूँ तो वेरिएबल सेल लिया हुआ मैंने जिसमें डी क्यू रीयूजेबल सेल विद आइडेंटिफायर, फिर आपका डी क्यू रीयूजेबल सेल विद आइडेंटिफायर, उसमें स्ट्रिंग 4 इंडेक्स पाथ और NS इंडेक्स पाथ पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ऊपर वाला भी यूज़ कर सकते हो और दूसरे वाला भी। इंडेक्स पाथ इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कौन से इंडेक्स को हम डी क्यू कर रहे हो, कौन से कर रहे हैं। तो आइडेंटिफायर में मैंने सेल पास कर दिया और इसमें जो है मैंने इंडेक्स पाथ जो है NS इंडेक्स पाथ इसी का पार्ट है, तो मैंने उसी को जो है इंडेक्स पाथ में ही लिखा क्योंकि वो इनहेरिटेड है उसी से। तो मैंने इसको बिल्ड किया था, देखिए मुझे कुछ काफ़ी ज़्यादा एरर्स दे रहा है। अगर मैं इस वार्निंग पे क्लिक करूँ तो वे कहता है सेल जो है इन्फॉर्म टू द जो उसका है वेरिएबल ऑफ सेल इन्फॉर्म टू हैव अ टाइप एनी ऑब्जेक्ट विच है मे बी अनएक्सपेक्टेड। तो अब आपने इसका डाटा देखा तो इसमें स्ट्रिंग पास होनी है स्ट्रिंग 4 इंडेक्स पाथ और उसका रो। तो अब उसको एरर को रिमूव करने के लिए हमें जो है उसको UI टेबल व्यू सेल में पास करेंगे, क्योंकि हमें पासिंग बतानी है, एज का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद आगे फर्दर इसको रन करेंगे तो ये इजीली बिल्ड हो गया इसमें, अब यानी इसका कोई एरर नहीं है। अब जब मैं इसके टेबल व्यू कंट्रोल पे जाऊंगी तो इसको मुझे बताना पड़ेगा कि कितने से मैंने इसको दोबारा यूज़ करना है। तो मैं अपने एट्रीब्यूट पे आ जाऊँगी, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर्स पे आ जाऊँगी और उस पर जाके मैं यहाँ या देखें, अभी मैंने व्यू कंट्रोलर सेलेक्ट किया हुआ है तो मेरे पास टेबल व्यू तो उसमें कोई सिलेक्ट नहीं है, तो मैंने इधर से 1 सेलेक्ट किया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यानी इधर सेल लिखा है आइडेंटिफायर में, ऑटोमेटिकली मेरे पास प्रोटोटाइप सेल आ गया। मैंने देखे रन किया तो मेरे पास अभी ये सारे यानी एडवांस यूनिटी 3D गेम प्रोग्रामिंग अप एंड रनिंग विद अबंटू
लिनक्स अप एंड रनिंग है, सी यानी ये आ रहा है अब अभी, लेकिन रीयूजबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। डीक्यू जरूर कर रहा है लेकिन आगे हम फर्दर इसको यूज़ नहीं कर रहे। अब जो हम पिछला देख रहे थे वो पिछले में सिर्फ हमारी सिर्फ चंद मेरे कोर्स नेम्स थे और टाइटल्स थे, तो अब सिर्फ जो है मैं फर्दर वेब कोर्सेज पे अगर इसके अंदर डालती हूँ ताकि डाटा ज़्यादा हो, उसी तरह उसकी अरे को भी कॉपी पेस्ट करूँगी और उसी तरह वहाँ जाके पेस्ट कर दूँगी, और फिर अब उनको जो है फर्दर कॉल्स करूँगी तो वो भी इजीली इसके साथ बाइंड हो जाएंगे। जहाँ जहाँ मैं उसको डिफरेंट यानी अपने जिस तरह मैंने सेम पहले वो टेबल व्यू वगैरह यूज़ की है उसी तरह यूज़ करूँगी, लेकिन इसके साथ मैं इसको बाइंड करवाऊँगी। इसको मैं यहाँ ग्रुप कर रही हूँ यानी अपने वेब कोर्सेज और उसको ग्रुप करूँगी, तो आप देखेंगे मेरा डाटा इजीली ग्रुप हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन पहले इसमें मुझे थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास दो सेक्शन तक से मैंने रिटर्न टू कर दिया, उसके बाद मैं डेवलपिंग कोर्सेज डॉट काउंट भी कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ मेरे पास अगर मेरा 0 0 है, अगर सेक्शन मेरा 0 तो एल्स कर दे वेब कोर्स को, यानी ये मेरी इफ़ और एल्स यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने अब सेंक्शन यूज़ कर लिया, तो कॉपी कर दूँगी यही फंक्शन उसके अंदर, यानी कट पेस्ट कर दूँगी कि अब मुझे दोबारा उसको इतना कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग मैंने सेक्शंस बना दिए, अगर तो वो पहले सेक्शन पे जाए तो ये फंक्शन करे, अगर दूसरे पे जाए तो ये फंक्शन करे, यानी अगर सेक्शन इज इक्वल टू 0 तो फिर इस पे भी उसी तरह सेम वो मैंने कोर्स टाइटल वगैरह इसके अंदर लिख दिया, और एल्स में अगर मैं देखूँ तो सेम यही लिखूंगी इधर, लेकिन सिर्फ वेब कोर्सेज आ जाएगा, डेवलपमेंट कोर्सेज का रन करूँगी तो आप देखेंगे कि मेरे पास वो उसी तरह कोर्स आ रहे हैं, दो सेक्शंस बन गए हैं मेरे पास। तो ये तो थी मेरे पास कि कैसे मैं कस्टमाइज अपने फर्दर कस्टमाइजेशन कर सकती हूँ टेबल व्यूज को यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं टेबल व्यू को यानी जो है स्पेशल इफ़ और एल्स में यूज़ करूँ कि अगर डेवलपर कोर्सेज हैं और उसमें फिर रिटर्न करें वेब कोर्सेज एल्स में, तो फिर वो जो है अगर डेवलपिंग कोर्सेज करेगा तो फिर उसको सेलेक्ट करेगा, मेरे पास हेडिंग्स भी साथ आना शुरू होगी। वेब कोर्सेज रिटर्न करे डेवलपर कोर्सेज करेगा, तो 0 सेक्शन है तो डेवलपर कोर्सेज करे, तो अभी तो ही मेरे पास सेक्शंस आ रहे हैं, यानी अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे पास एट अ टाइम एक ही सेक्शन आए। यहाँ अगर फर्दर मैं इसके सेल्स को देखूँगा, स्विफ्ट एसेंशियल ट्रेनिंग को अगर फर्दर कैसे प्रोसीड करना, तो अब जो है मैं इसको आगे फर्दर इन नॉन फॉर्म में यूज़ करूँगी, यानी सेल्स को भी आगे मैं जो है इंस्पेक्टर में जाके जब मैंने ग्रुप वगैरह ही किया है उसमें जो है सिंपल उस पर सेलेक्ट करना है मैंने, तो क्योंकि मैं रूल्स को टेबल व्यू के अंदर है ना, तो टेबल व्यू के अंदर ही रहते हुए हमने इसको आगे सब टाइटल टाइटल और सब टाइटल यूज़ करने हैं। मैं इसको फर्दर इनहांस फॉर्म में दिखाना चाह रही हूँ ना, तो इसलिए मैं इसको टाइटल और सब टाइटल यूज़ कर लिया ताकि मुझे टाइटल भी पता चले और सब टाइटल भी पता चले और वो मेरा जो है उसका शो हो जाए। डिटेल टेक्स्ट लेबल यूज़ करूँगी मैं, अगर इसको देखूँ तो टेक्स्ट लेबल यूज़ करने में जो है मुझे कोई क्या गेट क्वेश्चन मार्क गेट करने के लिए डॉट, आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग आती होगी इजी कुछ कोर्स ऑथर, और अब आप देखें तो मेरे साथ नीचे कोर्स ऑथर भी आने लग गया। इस तरह हम और भी बहुत सी चीज़ें अपेंड कर सकते हैं और टेबल को इनहांस फॉर्म में शो करवा सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास एक और यानी इसी तरह की मैंने जो है पहले से बना के रखी है, आपके पास ये सारी अवेलेबल होंगी, आप उनको यूज़ करके फर्दर प्रोसीड करेंगे। आप कोई इमेज भी डाल सकते हैं, आप उसको आगे फर्दर यूज़ भी कर सकते हैं, लाइक तो मैं इसको ये वाली इमेज को सेलेक्ट करूँ तो अब देखिए मेरे पास ये इमेजेस के फोल्डर के अंदर मेरी इमेज ऐड हो गई है, और अब इमेजेस जो भी मेरी इमेज है उसको मैंने लोड करके उसको ऐड कर सकती हूँ अपनी एप्लीकेशन में। लाइक अगर मैं कहूँ न्यू इमेज UI तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, न्यू इमेज सेट भी बना सकते हैं और उसको भी लगा सकते हैं, तो आप कोई भी नाम रख के अपना इमेज सेट डाल सकते हैं। मैंने एक इमेज सेट बना लिया, उसके अंदर मैंने ड्रॉप और ड्रैग कर दी तो ये मेरे पास इमेज आ गई, और अब इमेज को अगर मैं लगाऊं तो सिंपल जाके व्यू कंट्रोल पे जाके जो है उसको मैं सेम जो मेरा इंडेक्स वाला इसी को कॉपी पेस्ट करूंगी ताकि मेरे पास मल्टीपल जो चीज़ें आ जाएँ रिट्रीव एंड इमेज, कैसे इमेज रिट्रीव कर सकते हैं। माई इमेज इसी को UI और नेम इसी को दो सारी जो आपका आइकन नाम है और सेल आइकन का जो भी आपका इमेज व्यू इज इक्वल्स टू माई इमेज, इमेज के अंदर आप जाके ये मेरा UI इसको जाके कॉपी पेस्ट के नाम में ताकि मेरी गलती ना हो सेल की जगह में से मैं सिर्फ पेस्ट कर दूंगी, तो जब रन करूंगी तो मेरे पास स्टार इमेज भी आना शुरू होगी। इस तरह हम इमेजेस भी अपने टेबल पे डाल सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे
ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको आज आप साइज चेंज कर सकते हैं, आप इसको फॉर द डिफरेंट फॉर्म्स में भी